इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? आप आर्मी कैंप पर मौजूद हैं, अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर नीचे लाया जा चुका है? क्योंकि अब तक कई हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आप दिखा चुके हैं, तो कितने लोगों को लाया जा चुका है? साथ ही साथ अभी जब तक मौसम ठीक है, इसे कैसे यूटिलाइज कर रही है सेना? देखिए, मैं आपको पहले तस्वीरें ही दिखा दूं। यहां पर जो है बीएसएफ का MI-15 हेलीकॉप्टर, उसके अलावा आर्मी का जो है हेलीकॉप्टर लगातार तैनात हैं, एंड वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो ऑपरेशंस हैं उसमें तेज़ी लाए, क्योंकि दोपहर के बाद कहीं ना कहीं मौसम की परिस्थिति सही नहीं है। अगर हम IMD की बात करें तो उनका कहना है कि मौसम जो है बिगड़ सकता है और इसीलिए ऑपरेशन को जो है जल्दी करना पड़ेगा। और वहाँ पर ऑपरेशन क्योंकि बहुत मुश्किल ऊंचाई पर है, हवा की कमी है। मैं कैमरा से छुपी को दिखाएं जूम करके, जो GOC है 15 कोर के, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। जो कश्मीर ऑपरेशंस देखते हैं पूरा भारतीय सेना की तरफ से, वो यहाँ आ चुके हैं और वह यहाँ पर खुद निगरानी कर रहे हैं कि ऑपरेशन जो है कैसे रहें और कैसे चलेंगे। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये GOC 15 कोर है जो यहाँ पर अभी लैंड कर चुके हैं और ऑपरेशन को खुद मॉनिटर करना चाहते हैं, खुद देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हालात बने हुए हैं और कैसी परिस्थितियाँ हैं। आपको मैं बता दूँ, काफ़ी सारे डेड बॉडीज़ को भी यहाँ पर लाया गया है, काफ़ी सारे इंजर्ड को यहाँ से जो है स्टेबलाइज करके बालटल बेस हॉस्पिटल लिया जा रहा है। बालटल बेस हॉस्पिटल से उनको श्रीनगर के सोबरा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स शफीको कांगवा दिखाएं जो ये लैंड कर रहा है, ये पहले अमरनाथ यात्रियों को ले जाने के काम करता था, लेकिन क्योंकि आज परिस्थिति अलग है, क्योंकि आज परिस्थिति मुश्किल है, तो इनको भी जो है काम में लगा दिया गया है। जख्मी हो या कोई और जो वहाँ पे फंसा हुआ है, जो चल नहीं पा रहा, उसको यहाँ पर लगातार लाया जा रहा है ताकि एक मदद की जा सके। क्योंकि यहाँ पर ना केवल भारतीय सेना बल्कि पुलिस, CRPF, ITBP, SDRF और NDRF भी जुटी हुई है। यहाँ पर कुछ देर पहले ही काफ़ी सारा इक्विपमेंट जो है वहाँ पे लिया गया, मशीनरी वहाँ पर जा नहीं सकती, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ऐसे कुछ गैजेट्स लिए जा रहे हैं जो वहाँ पर मैन्युअली हैंडल किए जाएं, जो लोग वहाँ पे हैं वो हैंडल करके बॉडीज़ को बाहर निकालें। अब 15 लोगों की पुष्टि सरकार की तरफ से, सूत्रों की तरफ से हो चुकी है कि 15 लोग उसमें मारे गए हैं। कुछ डेड बॉडीज़ यहाँ पर लाई गई हैं, उनको यहाँ से श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया और श्रीनगर से उनको अपने जो गाँव है या जहाँ जिस शहर से आते हैं वहाँ पर ले जाया जाएगा। और जो इंजर्ड इनको यहाँ पर स्टेबलाइज करके या तो एयरक्राफ्ट के जरिए, अगर क्रिटिकल हैं, तो सोवरा हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। सोवरा हॉस्पिटल जो है कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर उनको ले जाया जा रहा है। वहाँ के हेलीपैड पे लैंड करके उनको अंदर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर जो आर्मी मेडिकल कोर है, AMC के डॉक्टर्स भी यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं। सरकार की तरफ से, J&K हेल्थ गवर्नमेंट की तरफ से आप देख सकते हैं कि कितनी एम्बुलेंसेज अंदर मौजूद हैं और ये एम्बुलेंसेज यहाँ पर इंजर्ड को या तो बेस हॉस्पिटल या उसके बाद अगर श्रीनगर शिफ्ट करना हो तो श्रीनगर शिफ्ट कर देती हैं। तो ये ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पर जारी है जिसमें पूरी स्टेट की मशीनरी, चाहे वो सुरक्षा बल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, लगातार जुटी हुई है। कल मेडिकल स्टाफ की जो है लीव्स कैंसिल कर दी गई थी और लीव्स कैंसिल करने के बाद सबको ये कहा, निर्देश दिए गए थे कि वो अपने फ़ोन ऑफ ना करें और लगातार फ़ोन से संपर्क बना रखें, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति होती है या कुछ और घटना ऐसी घटती है तो लगातार ऐसी टीम्स को वहाँ पर डिस्पैच किया जाए, उनको वहाँ पर लिया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी राहत के काम में हाथ बटा सकें। लेकिन आपको मैं बता दूं, वहाँ पर ऑलरेडी NDRF SDRF की टीमें मौजूद थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें मौजूद थी जो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करती हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करती हैं, और वही अभी यहाँ पर भी जारी है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो है मल्टीपल एजेंसीज के द्वारा, एयरफोर्स हो, BSF हो या कोई और एजेंसी हो, वो लगातार इस काम में जुटे हुए हैं और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको लाया जाए। क्योंकि सरकार अब ये चाहती है कि अब घटना घट चुकी है लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उनको लिया जाए या जिन लोगों का कम्युनिकेशन अभी अपने घर वालों से नहीं है उनसे बात हो सके। अभी कुछ देर पहले मैंने एक शख्स को फ़ोन अपना थमाया था, जो घर पे फ़ोन उसने लगाया और उसने बताया कि वो अपने फ़ोन और उसके कुछ बैग था जो उसके ऊपर ही छूट गया। तो ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनका संपर्क जो है
वो टूट चुका है और वो अब कोशिश यही हो रही है कि अब उनसे कैसे संपर्क हो और उनके हेल्पलाइन नंबर्स भी इशू कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि टॉप ऑफिशियल्स अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं। अभी सीआरपीएफ की जो आईजीपी हैं चारू, वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं और श्रीनगर सेक्टर देखती हैं जिसमें एसेंशियली गांधरबल भी आता है, सेंट्रल कश्मीर का इलाका है। अभी लगातार यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज का पहरा भी बढ़ा दिया गया है और लगातार हेलीकॉप्टर सॉटी करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आपको बता दूं कि ये वो एक्सेस है जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से कनेक्ट करता है और कुछ ही दूरी पर करगिल शुरू हो जाता है और करगिल में इस बार बहुत भीषण क्लाउड बर्स्ट हुए जिसकी वजह से काफ़ी मकान, काफ़ी खेती जो है तबाह हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्रिटिकल टाइम था क्योंकि लगातार ऐसी परिस्थिति मौसम की बनी हुई थी जिसकी वजह से खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार काफ़ी सारे प्रेस रिलीजेस निकाल चुकी थी जिसमें मीटिंग जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डिजास्टर मैनेजमेंट की हो चुकी थी, प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स हो रही थी ताकि ऐसी परिस्थिति से निपटा जाए। लेकिन कुदरत के सामने इंसान हमेशा बेबस रहता है और वही बेबसी कुछ कल देखने को मिली जिसकी वजह से आज इतना बड़ा ऑपरेशन जो है फिलहाल मल्टीपल एजेंसीज जो हैं कश्मीर में कर रही हैं, चाहे वो पहलगाम का रूट हो या यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं सोनमर्ग का रूट हो, इन दो रूट्स पर लगातार ऑपरेशन जारी है। पहलगाम एक ऐसा रूट है जहाँ पर और मुश्किल रास्ता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कें हैं, अब बहुत सारे जगह तक सड़क जाती है लेकिन वहाँ से करीब करीब 23 से 30 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ता है और यहाँ से 17 किलोमीटर करके जाना पड़ता है। तो यहाँ से ही ऑपरेशन का मेन फोकस रहा है क्योंकि यहाँ पर हेलीपैड्स भी हैं और सेना की तैनाती भी है और यहाँ पर ऑग्यूमेंट किया जा सकता है इक्विपमेंट, तो इसीलिए यहां पर जो है एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। अभी हम ये देखना होगा कि आगे चलते हुए कैसे इसको ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड होता है और कितनी देर में सरकार जो है एक आंकड़ा देती है कि अभी कितने लोग जो हैं उनकी बॉडीज ली गई हैं या कितने लोग घायल हैं। एक बड़ा ऑपरेशन जो है जरूर देखने को मिला है जिसमें मल्टीपल एजेंसी साथ आई हैं और लगातार ऑपरेशन कर रही हैं। मीटिंगें अभी चल रही हैं, आप देख सकते हैं अंदर डिप्टी कमिश्नर हो, आर्मी के हेड हो, एयरफोर्स से हो, जम्मू कश्मीर पुलिस से हो, लगातार बातचीत चल रही है, डिटेल दी जा रही है कि क्या हो रहा है, कैसे ऑपरेशन कैरी आउट किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कुछ हेलीकॉप्टर से जो है मटेरियल लिया जा रहा है, कुछ हेलीकॉप्टर से डेड बॉडीज लाई जा रही हैं, कुछ हेलीकॉप्टर जो बड़े हैं जैसे बीएसएफ का हेलीकॉप्टर है इससे जो है बड़े इक्विपमेंट जो है ले जाए जा रहे हैं। यहाँ पे अच्छी तादाद में जो एयर फ्यूल है वो भी रख दिया गया है ताकि अगर जहाज बहुत सॉर्टी करता है दिन में तो उसके लिए सफिशिएंट फ्यूल अवेलेबल हो क्योंकि अभी ये प्रेडिक्शन है कि कोई कहीं ना कहीं मौसम उस एक्सिस पे ख़राब हो सकता है। तो होता है नहीं होता है, हालांकि प्रेडिक्शन होती है, उसके देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार के पास ये चुनौती होगी कि वो लगातार जो है और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को कंक्लूड करें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि जल्दी ये ऑपरेशन जो है फिलहाल कंक्लूड होगा। बिल्कुल, एक अच्छी बात ईशान ये जरूर है क्योंकि वहां पर मौसम फिलहाल साफ है तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है।